दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश ने बिगाड़ा खेल तो बौखला उठे न्यूजीलैंड के दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, दूसरे मुकाबले में बारिश के खलल डालने के बाद सीरीज जीतने को लेकर न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भारत को दी धमकी। न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भारतीय टीम को ललकारते हुए कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। आखिरकार न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने अपने बयान में कौन सी मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए अजीबोगरीब धमकी भरे बयान दिए हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, शिखर धवन, रोहित शर्मा और संजू सैमसन में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हैमिल्टन के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलने के लिए जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 4.5 ओवर में 22 रन बनाए, लेकिन बारिश के कारण मैच को 4 घंटे रुकना पड़ा। लेकिन फिर से मुकाबला प्रारंभ हुआ तो 12.5 ओवर में भारतीय टीम ने 89 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 34 और शुभमन गिल ने 45 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं शिखर धवन ने 3 रन की पारी खेली, तो वहीं मुकाबले को दोबारा बारिश आने के कारण रद्द कर दिया गया। इस मुकाबले में कोई भी फैसला नहीं निकला। तो वहीं अगला मुकाबला 30 नवंबर को क्रिस्ट चर्च में स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर भारतीय टीम सीरीज बचाने के लिए तो न्यूजीलैंड की टीम सीरीज जीतने के लिए उतरेगी। इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने धमकी भरा बयान जारी किया है, जिसमें रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अभी तक भारतीय टीम सिर्फ और सिर्फ किस्मत के दम पर मुकाबलों को जीती है। लेकिन अब भारतीय टीम को सिर्फ हार नसीब होगी, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से किसी भी खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बारिश ने बार बार भारतीय टीम को हारने से बचाया है, ऐसे में भारतीय टीम को बारिश भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि हमने अलग ही रणनीति के साथ भारतीय टीम को हराने की प्लानिंग कर ली है। इसके अलावा डेनियल विटोरी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे, क्योंकि वो जीत दर्ज कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए हमने इस मुकाबले के लिए काफी बड़ी रणनीति तैयार कर ली है और भारतीय टीम को इस मुकाबले में हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है, भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को रोकना हमारे लिए कठिन है, लेकिन हम दोनों के लिए हमने स्पेशल खिलाड़ियों को अंतिम मुकाबले में शामिल कर लिया है, ऐसे में भारतीय टीम की हार बिल्कुल निश्चित हो चुकी है और भारतीय टीम को हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वहीं ब्रैंडन मैक्यूलम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत हमारे लिए सबसे बड़े अटैकिंग पॉइंट होंगे, इसके लिए हमें कोई भी प्लान नहीं बनाना है। इसके अलावा हम सिर्फ 3 या 4 खिलाड़ियों के ऊपर कार्य हमें करना है, ऐसे में उन खिलाड़ियों को हम बड़े ही आसानी से हरा देंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन और शिखर धवन खतरनाक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन दोनों को परेशान करने के लिए हमने स्पेशल खिलाड़ियों को शामिल किया है, साथ ही साथ इस मैच में बारिश की संभावना भी कम है, ऐसे में हम पूरा मुकाबला खेलकर दबाव बनाकर भारत को हराएंगे और सीरीज भी जीतेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।